Good morning friends and thank you so much for liking the videos. Christmas आने वाला है और सारे ही बच्चे बहुत excited होंगे और नीर भी बहुत excited है और आज उसको करनी है खूब सारी Christmas की shopping. ये डायरी अपनी बंद करो, assignment उठाओ और मेरे को बताओ मेथी के पराठे के साथ white butter खाना है कि yellow? Yellow. मैं तो white खाऊंगी. मैं भी दोनों खाऊंगी. हैं? दोनों. अभी आपने येल्लो बोला है दोनों ठीक है अगर बना रहे हो वाइट तो ठीक आज मेथी के पराठे के साथ सबका मन कर रहा था वाइट बटर खाने का तो सबसे पहले मैंने यही काम किया थोड़ी सी मलाई ली और निकाल दिया था वाइट बटर अच्छे से उसको धो के मैंने रख दिया था फ्रिज के अंदर और नेक्स्ट मैंने स्टार्ट कर दिया था मेथी वाला आटा गूंदना आज का हमारा प्लान है फटाफट से करना है ब्रेकफास्ट नीर को उसके मैथ्स एग्जाम की तैयारी करानी है और फिर हमें निकल जाना है शॉपिंग के लिए आज मेथी के पराठे की रेसिपी मैंने बहुत ही क्विक रखी थी ना तो मैंने इसमें प्याज डाला ना ही अदरक ना हरी मिर्ची सिर्फ मेथी आटा थोड़ी सी अजवाइन और वही बेसिक मसाले वाइट बटर अचार इसके साथ टेबल भी रेडी था ब्रेकफास्ट के लिए तो बस अब रह गई थी कमी चाय की तो मैंने बढ़िया सी अदरक वाली चाय बना दी बिना अदरक वाली चाय के हमारा ब्रेकफास्ट कम्प्लीट नहीं होता तो ये तो मस्ट थी और साथ ही में स्टार्ट कर दिए थे बनाने मेथी के पराठे सर्दियों में आपके घर किसके पराठे सबसे ज़्यादा लाइक किए जाते हैं मेथी पालक या बथुआ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा खोल के दे सकते हो खोलना क्या होता है अरे यार कर लो हाफ पापा कर देंगे और वो फिनिश होना चाहिए सारा ठीक है अगर नहीं हुआ तो फिर मैं बात करूँगी आपसे बाद में फाइनली मेरा नंबर आ गया था ब्रेकफास्ट करने का और कभी कभी बिल्कुल सिंपल चीज़ बहुत टेस्टी लगती है तो बस बहुत ही बढ़िया सा बना था मेथी का पराठा फैक्टर ट्री आता है ना बनाना फैक्टर ट्री के मैं आपको दे रही हूँ ठीक है कोई ना सिली मिस्टेक मत करना नीर अब ठीक है ये फाइनल आपकी रिवीजन हो रही है 26 जहाँ पे मैंने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है उसका HCF भी निकालना है उसका LCM भी निकालना है समझ आ रही है बात हाँ ना कुछ तो बोलो मुझे पता कैसे चलेगा कि आपको समझ आ रहा है पहले बुक को बंद करो मैंने क्वेश्चन पेपर आपका बना दिया बुक को बंद करो स्मार्टली वर्क कर लो आपने ऑलरेडी किया तो उसमें से देख सकते हो अब इसमें क्या बड़ी बात है चीटिंग का मतलब होता है आप बुक खोल के आंसर नोट कर रहे हो या कहीं से ये तो आप ही ने किया इसमें कौन सी चीटिंग होती है सब कुछ डन था नीर की टेस्ट की तैयारी भी कम्प्लीट तो बस हम निकल पड़े शॉपिंग के लिए मॉल आज संडे था और काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी तो बस जल्दी से हमने अपनी शॉपिंग कंप्लीट करी और फिर लग गई थी बहुत तेज़ भूख और हम चले गए थे अपनी फेवरेट राजस्थानी थाली खाने सारी की सारी डिशेज ही बहुत माउथ वाटरिंग होती हैं सैलड से लेके दाल बाटी चूरमा ढोकला छाछ साथ ही में कटलेट्स और मेन कोर्स में भी बहुत सारी वैरायटीज़ मिली थी खाने को गट्टा करी पनीर की सब्जी आलू की सब्जी राजस्थानी कढ़ी राजस्थानी दाल और साथ ही में गुजराती दाल और सूखी सब्जी में आज यहाँ पे बनी हुई थी भिंडी मसाला जो नीर को बिल्कुल पसंद नहीं है और ब्रेड्स में हमें खाने को मिला था प्लेन रोटी बाजरे की रोटी और साथ ही में गुजराती थेपला राजस्थानी थाली हमें बहुत ही यम्मी लगती है तो जब भी मौका मिलता है हम यहाँ पर ज़रूर जाते हैं कैसा है अच्छा है ना फाइनली खाना पीना हुआ हमारा ओवर और अब बस निकल जाना था घर के लिए और उससे पहले नीर ने कंप्लीट करनी थी अपनी क्रिसमस की शॉपिंग क्रिसमस में सब भी बहुत एक्साइटेड होते हैं क्या ही बच्चे क्या ही बड़े और नीर तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था और मार्केट में जो डेकोरेशन के आइटम्स आ रखे थे वो तो इतने प्यारे थे क्यूट क्यूट से ऐसे लग रहा था सारे ले लें फोल्ड हो जाएगा ना हाँ फोल्ड मैं कर दूँगा ऐसे फोल्ड हो जाएगा ऊपर करके इसका वो दे दो हाँ नया दे दो पैक दे दो अच्छा डेकोरेशन का देख लो आप चलो डेकोरेशन का देख लो क्या क्या चाहिए ये बैग तो वो बेल ले लो ना हाँ बेल ये ले लो ना ये भी तो बेल होती है बड़ी है ना इसमें है बेल एक तो ये देखो बेल है गोल्ड वाली चीज तो ये दो पैक ये है तो सिर्फ गोल्डन बेल ज्यादा वो ये ले लो ना स्नोमैन हाँ स्नोमैन ले लो वो देखिए चाइनीज कितनी सुंदर लग रही है हाँ ये अच्छी चीजें ले लो ना दो क्यों ले लिया एक ही ले रहा है वो उसने पकड़े में अभी क्या गोल्डन बॉल ले लो गोल्डन बॉल्स कर दो गिफ्ट्स के भी पैकेट आता है क्या गिफ्ट का है ना ये ठीक है ये गिफ्ट्स का हो गया ठीक है बस ये ले लो उसके अंदर सेंटा है छोटा सा हाँ ये ले लो
नीर की शॉपिंग हुई ख़त्म और काफ़ी ज़्यादा खुश था वो। तो बस ऐसे ही था आज का हमारा संडे।